चीला के एपिसोड में मैं एक और एपिसोड आपके लिए लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी चने को 5 से 6 घंटे के लिए सोक कर दिया था। अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो गए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट वाले चने हैं। मैंने इन्हें पहले भी यूज़ किया हुआ है दोस्तों। इनको छान के जाली में रख दिया और उसके बाद हमें डाल देना है एक ब्लेंडिंग जार में। ब्लेंडिंग जार में पहले मैंने इसे हल्का सा दरदरा सा चला लिया। उसमें हम डालेंगे लगभग आधा कप पानी, साथ ही हम डालेंगे हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा और दोस्तों इसको एक बार फिर से हम फाइन पेस्ट में रेडी कर लेंगे। पेस्ट हमारा हल्का दरदरा रहेगा तो उसे फाइन ज़रूर कर लें क्योंकि हमारा पेस्ट फाइन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने हल्दी, नमक और साथ ही गरम मसाला यूज़ किया है। हाफ लेमन का जूस डाल दिया है, इससे थोड़ा चटपटा सा टेस्ट आता है, एक टैंगीनेस आ जाती है। इससे हमारा जो चीला बन के तैयार होता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो उससे बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, साथ ही इसको बनाना भी बहुत ईजी है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट जमती है। तो दोस्तों ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको रेडी कर लिया है। सारे हल्दी नमक डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और उसके बाद अब हमें लेना है एक नॉनस्टिक पैन और उस पर हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने इस मिक्सचर को फैला दिया। आप देख सकते हैं मिक्सचर हमारा बहुत ही लिक्विडी नहीं है। ये मैंने स्पैचुला की हेल्प से इसे एक रोटी जैसा शेप दे दिया है, गोल शेप दे दिया है। ऑयल गर्म होने पे ही इसे डालें, ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी ना डालें। और ये देखिए हमारा ये चारों तरफ से अच्छी तरीके से पकना शुरू हो गया है। फ्लेम को इस वक्त मैंने लो टू मीडियम रखा है और चीला डालते के साथ ही हम इसके ऊपर मनपसंद वेजीज डाल देंगे। तो आज मेरे पास शिमला मिर्च और गाजर, ये दोनों वेजीज घर में पड़ी हुई थी और इन दोनों को मैंने चॉप कर लिया है और उस पर एक पर्टिकुलर पैटर्न में मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ। दोस्तों मैंने जो चीला बनाने का एपिसोड शुरू किया है इसमें ऑलरेडी मैं एक चीला अपलोड कर चुकी हूँ और मुझे लगा कि चीला की रेसिपी ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहती है, तो मैंने आपके साथ ये शेयर करना जेन्युइन समझा। और ये देखिए वेजीज डालने के बाद हम हल्का सा इसे हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे स्पैचुला की हेल्प से। आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद बहुत ही अच्छे से सिकता है और हमें अभी इसे बिल्कुल भी पलटना नहीं है। अच्छी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे एक साइड से पकने देंगे और जैसे ही आप देखेंगे कि ये हल्का सा सेट होना शुरू हो गया है हम इसे कवर कर देंगे। कवर करके हमें 4 से 5 मिनट के लिए इसको सेट होने देना है। अच्छी तरीके से ये देखिए सिक गया है, ऊपर से बिल्कुल ये आपको सेट नज़र आएगा। और अब हम इस तरीके से 2 स्पैचुला की हेल्प से इसे पलट देंगे। दोस्तों इसके 80% कुकिंग हमें इसको बेस मतलब सब्जी वाला बेस ऊपर रखते हुए ही करना है। सब्जी वाला हमें नीचे रखते हुए सिर्फ 20% इसकी कुकिंग करनी है क्योंकि बहुत देर तक हम सब्जी नीचे रख के पकाएंगे तो हमारी सब्जियां जल जाएंगी और वो उसमें वो फ्लोरेसेंट कलर नहीं आएगा जो हमें चाहिए। और ये देखिए हल्का सा ऊपर से मैंने सेक लिया है, इससे हमारी सब्जियां भी हल्की सी कुक हो गई हैं। एकदम परफेक्ट आपका चीला बनकर रेडी है। अब आती है इसकी सर्विंग की पारी। तो दोस्तों मुझे बच्चों को देना है तो उसके लिए मैं मेयोनीज से इसमें हल्की फुल्की सी डिज़ाइन बना दे रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और मैं ढेर सारी चीला की एपिसोड्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें। और आप देख सकते हैं मैंने कितने हेल्दी तरीके से ये चीला बना के तैयार किया। तो आप ब्रेकफास्ट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, साथ ही वेट लॉस के लिए भी परफेक्ट जमता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।